सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। खेल के मैदान में भी भारत की बेटियों की जीत का सिक्का दुनिया भर में खनक रहा है। साक्षी मलिक की धोबी पछाड़ हो, साइना का रैकेट, मैरीकॉम का मुक्का, मनु भाकर की बंदूक से निकली गोली, आज कौन देश के इन धाकड़ छोरियों को नहीं जानता। हर खेल में देश का नाम रोशन कर रही हैं महिलाएं, देश को इन पर गर्व है। किसने मैरीकॉम के मुक्के की शक्ति नहीं देखी, कौन साइना नेहवाल की रैकेट की रफ्तार नहीं जानता। किसे नहीं पता साक्षी और फोगाट सिस्टर्स की धोबी पछाड़। ऐसी कई बेटियों के नाम हमें आज के दिन जरूर याद करने की जरूरत है, जिन्होंने बेड़ियां तोड़ विदेशों में जीत के परचम के साथ देश का नाम रोशन किया है। जब भी यही बेटियां अपने मन में ठान लेती हैं, तो असंभव को भी संभव बना देती हैं, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। खेल के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं देश की बेटियां। भारत के लंबे ओलंपिक इतिहास में कुछ ही महिला खिलाड़ी रही जिन्होंने पदक जीता। कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक के इतिहास में पहली भारतीय महिला विजेता होने का श्रेय कर्णम मल्लेश्वरी को जाता है। सिडनी ओलंपिक में उनके मेडल जीतने से पहले भारत की किसी महिला ने ओलंपिक मेडल नहीं जीता था। उन्होंने महिलाओं के 69 किलो वर्ग की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। मैरीकॉम, 5 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम रियो ओलंपिक में तो नहीं खेल पाई, लेकिन 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक में भारत को मुक्केबाजी में पदक दिलाया था। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 4 बार गोल्ड मेडल और 2014 के एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। 2014 के एशियाई खेलों में उन्होंने एक स्वर्ण पदक जीतकर देश का सिर एक बार फिर से ऊंचा कर दिया। साइना नेहवाल, भारत की शान कही जाने वाली साइना नेहवाल के बारे में जितना कहा जाए कम होगा। साइना नेहवाल ने 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। वो 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। साइना उसके बाद से कई बड़े खिताब जीत चुकी हैं। भारत सरकार साइना को पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। पीवी सिंधु, सिंधु ने 2016 ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ऐसे करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। इसके साथ ही 2011 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, 2012 के एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप और 2016 के दक्षिण एशियाई खेल में उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता। साक्षी मलिक, डीटीसी में बस कंडक्टर का काम करने वाले सुखबीर मलिक की बेटी साक्षी मलिक ओलंपिक में पहलवानी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। साक्षी हरियाणा की हैं और इससे पहले 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एक समय था जब हरियाणा में लड़कियों को कुश्ती खेलने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में हालात बदले हैं, जिसमें नाम शामिल है फोगाट सिस्टर्स का। गीता बबीता विनेश फोगाट का नाम उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने समाज की सोच बदल कर रख दी। वहीं हाल ही में देश का नाम रोशन करने वाली एक खिलाड़ी और उभरी है जो पंजाब से है। भारतीय महिला पहलवान नवजोत कौर ने शुक्रवार को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नवजोत ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में हार को पटखनी दी। टेनिस जगत में सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप सानिया मिर्जा का नाम लेंगे। सानिया महज 18 साल की थी जब वो अपने प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा गाड़ने में कामयाब रही।
भारत सरकार ने 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और इसके पहले भी वो अपनी प्रतिभा के लिए 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी थी। 2009 में सानिया भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। टेनिस में देश का नाम बढ़ाने के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। एक खिलाड़ी है दीपा कर्माकर। वैसे तो रियो ओलंपिक खेलों में दीपा कर्माकर भारत को कोई मेडल नहीं दिला पाई, लेकिन 22 साल के इस जिम्नास्ट ने जिम्नास्टिक के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में 52 साल बाद पहली बार कोई भारतीय महिला एथलीट फाइनल में पहुंची। वो महज कुछ अंकों से कांस्य पदक से चूक गई। खेल की दुनिया में विशेष स्थान पाने वाली खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। रियो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की दीपा मलिक भी सितारा बनकर उभरी। उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। दीपा सिर्फ गोला फेंक ही नहीं बल्कि भाला फेंक, तैराकी आदि में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। वो तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुकी हैं। वो भाला फेंक में एशियाई रिकॉर्डधारी होने के साथ साथ गोला फेंक और चक्का फेंक में विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता है। देश की कोई भी बेटी अगर क्रिकेट में अपना करियर देखती है तो उन्हें मिताली राज से प्रेरणा मिल सकती है। मिताली को वनडे क्रिकेट में महिला क्रिकेट का तेंदुलकर कहा जाता है। 5000 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। महिला क्रिकेट टीम में एक नाम है झूलन गोस्वामी, जिसे तेज गेंदबाजी के कारण नदिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हाल ही में खेल के जरिए नाम रोशन करने वाली एक खिलाड़ी है मनु भाकेर। मैक्सिको के ग्वाडलजारा में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप के दूसरे दिन भारत की तरफ से मनु भाकेर ने गोल्ड पर निशाना साधा। भारतीय महिला शूटर मनु भाकेर ने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड हासिल किया। हरियाणा के झज्जर की मनु भाकेर का ये गोल्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी उम्र महज 16 साल है। ये तो महज कुछ ही नाम है जो बेटियों की गौरव गाथा का बखान करते हैं। भारत में ऐसे न जाने कितने अनगिनत नाम हैं जो बेटियों की महत्ता को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।